हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीमा मुकेश 07 में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ खेत पे। तो ये मेरे पीछे देख सकते हो कि बाजरा बड़ा हो चुका है। और आप सभी ये देखकर जान गए होंगे, ये है मक्का जो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब इनको तोड़ के रोज़ाना मंडी पर ले जाया जाता है। और अब मिलाते हैं आपको आगे। रामपोल जी, ये काय करू सन? हां बोल सन के दिन भाई। हां बोलो भाई साहब। हां जी बोलो जी भाई साहब। जी काय करू सन? तो मक्का भर रही है ना, कर रही है बराबर है। ये भी बना रहे थे भाई, काय कर रहे थे तेरा आगे सन का बीज लगा काय कर रहा थी। देख डैडी देख। हां जी चल को आ रहे थे तो अच्छा। और हाय गाइस, डॉक्टर कंप्यूटर से डॉक्टर से माले के जा बड़ा माले के जा। वो शाड़ी घूम रहा है साल तू प्रेम को निर्माण है ला तू दे दे ये डैडी दे बांध रहा कि नहीं आ लियो का गुम ला टा टा ला चल गुम बाप टाइम को नहीं ले डाल पल्ली दे उतरे बोलो मैं तो कोई भी ये रिकॉर्डिंग कर बस साहब जी बोलो मैं तो कोई चुपचाप हो जाओ कोई बोलो मैं तो। तो फ्रेंड्स ये है मूंगफली। ये है लौकी जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी छोटी छोटी है और बेलड़े फैलने लग गए इसके। और ये ककड़ी की बेल है जो फूल आ रहे हैं, देखते हैं ककड़ी भी आ रही है या नहीं आ रही है। और ये हमारा अंजन है जो कुएं पे रखा हुआ है सिंचाई करने के लिए, और अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण कुएं का पानी बहुत ऊपर आ चुका है, केवल दो फर में ही खाली है बाहर पानी आने के लिए। और ये कुआ बहुत ही गहरा कुआ है। क्यों कहें क्यों आकर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मोती सागर डैम पूरी तरह से भर गया है। जो भरने के बाद में जो आउटफ्लो पानी होता है वह हमारे एनीकट में से होके नदी की ओर जाता है। आप देख सकते हो कितना पानी बह रहा है जो मोती सागर डैम से आया हुआ है। और इस पुल का निर्माण हमारे खेतों पे आने जाने के लिए किया गया था, और इस
पुल के माध्यम से ही पास में देवलिया ग्राम पड़ता है, तो वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी इस पुल से गुजरते हैं। लेकिन अभी तक ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ, तो आने जाने वालों को बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।